लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के कुकसेत गांव के निवर्तमान नगर सेवक सूरज पाटिल ने मनपा स्कूलों में छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और नवी मुंबई के नेरुल और ऐरोली में CBSE स्कूल खोलने की मांग की है। युवा नेता सूरज पाटिल ने कहा कि लोक नेता गणेश नाई का विजन है कि नवी मुंबई में उत्तम शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हों, लेकिन आज भी मनपा के इंग्लिश स्कूलों में जरूरी साधन और सुविधाएं नहीं है जिसे तत्काल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। लोक नेता गणेश नाई का विजन है कि नवी मुंबई में शिक्षण सुविधाएं नंबर वन दर्जे की हों, ताकि यहां सामान्य घरों के बच्चे भी उत्कृष्ट शिक्षण हासिल कर सकें। हालांकि नवी मुंबई महानगर पालिका है कि इस मिशन को विफल करने में जुटी है। कुकसेत गांव में मनपा के अंग्रेजी स्कूल की हालत इसकी सच्चाई बयान करती है। सानी नगर सेवक सूरज पाटिल ने बताया कि लोक नेता गणेश नाई के विजन से मात्र 84 बच्चों से प्रारंभ हुए इंग्लिश स्कूल में आज 1100 बच्चे पढ़ते हैं। छात्रों के लिए यहां पर्याप्त शिक्षक, किताबें और शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं है। आयुक्त के समक्ष खामियां गिनाते हुए सूरज पाटिल ने इंग्लिश स्कूल में जूनियर कॉलेज शुरू करने एवं बाधा रहित शिक्षण की कमियां पूरी करने की मांग की। गणेश नाई जी ये शहर के नेतृत्व कर रहे हैं और यही पे उनके सोच के माध्यम से सभागृह में हमने इंग्लिश मीडियम के स्कूल जो पिछड़े हुए हैं, गरीब है, जिनके फीस देने को पेरेंट्स को नहीं होता है, ऐसे बच्चों के लिए फ्री इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू की जाए, तो कुक्षेत में वो नींव रखी गई थी। 84 बच्चों का स्कूल आज 1100 बच्चों को पढ़ा रहा है। तो वो स्कूल में वो बच्चों को जो प्राविधान है, शिक्षक गण हो या फिर पुस्तक जो भाई सामग्री हो, वो जगह पर उपलब्ध हो, टाइम टू टाइम मिले, हालांकि उनके शिक्षण में कोई बाधा ना है, ये डिमांड, ये पूर्तता करने की डिमांड आज हमने आयुक्त साहब के सामने रखी। जो कि 9th स्टैंडर्ड तक ये स्कूल पहुंच गई है, तो आने वाले दिनों में वहाँ पे जूनियर कॉलेज का भी प्राविधान रखा जाए, ये आज हमने डिमांड रखी हुई है। इसको आगे बढ़ाने के लिए एक कदम उठाने की अब जरूरत है। सूरज पाटिल ने कहा कि नवी मुंबई एजुकेशन हब के रूप में जानी जाती है, इसलिए यहाँ CBSE स्कूलों की जरूरत है, ताकि सामान्य घरों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों की पढ़ाई और स्पर्धाओं से पीछे न रहें। उन्होंने सीउड के सेंट्रल स्कूल में CBSE स्कूल प्रारंभ करने की भी मांग की। सूरज पाटिल ने कहा कि नवी मुंबई शहर हर मायने में नंबर वन रहे, यह विधायक गणेश नाई की सोच है और उनकी इसी सोच के अनुसार यह मांग की गई है। उन्होंने आयुक्त के सकारात्मक जवाब पर उम्मीद जताई कि जल्द ही नवी मुंबई के छात्रों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। CBSE बोर्ड की आज जो जरूरत है, तो ये हमारे बच्चे उससे पीछे ना रहे, कल का नवी मुंबई कर अच्छी शिक्षा में अपना नाम उजागर करने के लिए इस वर्ल्ड कंपटीशन में कम ना रहे, पिछड़ा ना रहे, इसके लिए सारसोला गांव में जो सेंटर स्कूल है सभी फेस्टों का, तो वहाँ पे CBSE बोर्ड की स्कूल तुरंत चालू की जाए, ये ऐसे हमने शिक्षण क्षेत्र के लिए डिमांड की है। कि नवी मुंबई एक ऐसा शहर है जिसने हमेशा भारत में अपना नाम अलग तौर से उजागर किया है, नया प्राविधान रखना, नई सोच रखना और लोगों के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध करना, ये नवी मुंबई की पहचान है। निश्चित नाइक साहब के दिल का जो नवी मुंबई करे के लिए अच्छा सोच है, वो वहाँ हमने रखी और आयुक्त जी आज हमें उसी बात पे सकारात्मक दिखे। आने वाले दिनों में ये जो हमने डिमांड रखी है उसकी पूर्तता निश्चित तौर पे होगी और नवी मुंबई जो हटके सिटी माना जाता है, निश्चित हम फख्र से कह पाएंगे कि हम इंग्लिश मीडियम भी स्कूल दे रहे, हम CBSE भी दे रहे और हम कॉलेज भी अभी फ्री दे रहे, तो निश्चित ये अच्छा कदम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।